अरे <laughs> क्या भाई तुम्हारा नाम क्या है मैंने एल्विश क्या है ये ये भाई 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 नहीं भाई, मेरे बड़े भाई ने रखा था मेरा नाम ये ना बड़े भाई ने बड़े भाई आपसे कितने बड़े हैं अनफॉर्चुनेटली अभी तो एक्सपायर हो गए तो uh, मेरा नाम पहले सिद्धार्थ था तो उन्होंने सजेस्ट कि एल्विश छोटा था हाँ जी अच्छा अच्छा मतलब क्या हुआ एलविश का भाई अभी तक पता नहीं लगा इसका <laughs> <laughs> तो आशिका हेलो सर इनको तो मैं जानता हूँ प्रेम रतन धन पायो से ये मेरी छोटी बहन बनी थी पिक्चर में तो यहाँ पर प्रेम नहीं है, है? यहाँ पर प्रेम नहीं है मतलब प्रेम रतन धन पायो में प्रेम कौन था आप सर हाँ यहाँ पर वो प्रेम नहीं है पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ तो इससे पहले मैं कुछ और बात करूँ अभिषेक स्टोर रूम में कुछ सामान रखा है यहाँ पर प्लीज ले आइए बिल्कुल सर लिची पानी जिया <laughs> पानी <laughs> जी हाँ ये किसके लिए हो सकता है ये बताइए आप मुझे मेरे लिए आपके लिए तो पी लीजिए हाँ मिर्ची का एक चम्मच और पानी कारण बताओ कि आप झट से उठकर ये पीने के लिए क्यों चली गई क्योंकि मैंने आपसे कहा इसलिए या तो फिर आपको ऐसा एक कुछ एहसास हुआ कि आपसे कुछ गलत हो गया है जी मुझसे कुछ गलत हुआ सर लास्ट वीक uh, uh, मैंने हाँ हमें पता है पूरे हिंदुस्तान हाँ. को पता है सबने देखा है आई टोटली डिजर्व दिस आई विल टेक इट छोड़ दो अभी छोड़ दो छोड़ दो पॉइंट प्रूव हो चुका है okay. देखो हमारे गाँव के अंदर ना मिर्ची कांदा रोटी ये हमारा स्टेपल डाइट है हिंदुस्तानियों का यू you नो know, तो ये हम लोग इस प्रकार का खाना खाते हैं हुँ? और साबुन हाँ, हम लोग ज्यादा करके ना नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं नाने के क्या आपने क्या देख लिया ऑफ मी टू डू दैट चलो ठीक है तो इसका मतलब आपने बोल दिया stupid ऑफ मी टू डू दैट तो इसको इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ दें <laughs> मैं बस आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ इसमें लिखा है सिट्रिक एसिड क्या यार क्या लिखा है अमोनियम सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम नाइट्रेट एसिड्स हैं सब और इसमें यार ये यहाँ तो क्या है कॉशन कॉशन है ना कॉशन है वो ही पढ़ देता हूँ फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली मतलब के बाहर के यूज के लिए है Avoid direct contact with eyes. If irritation occurs, get medical attention. आपको अटेंशन तो मिल गया। एलविश? हाँ जी। टेस्ट कैसा था? हाँ थोड़ा अजीब सा था। अजीब सा था। पहले कभी नहाते हुए साबुन नहीं गया मुंह में? आह नहीं भाई। अभी तक नहीं गया? <laughs> कमाल का हुनर है आपका यार। हम्म hmm? <laughs> तो शायद इन्होंने आपको ना अंदर बाहर दोनों से परख लिया था जांच लिया था आपको और इनको ऐसा लगा कि आप अंदर से गंदे हो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये साबुन का पानी पिला के आपको अंदर से साफ कर दें जिया जी, जी जी सर अगर आपको एलविश के तानाशाही के अगेंस्ट रिवोल्ट करना था पानी लाने से मना कर सकती थी पानी लाना पानी देना पानी पिलाना सबसे बड़ा सवाब का काम का का है पुण्य का काम का 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 है और आपने उस पुण्य में साबुन डाल दिया ये बहुत ही बेवकूफी वाला काम किया मैंने आई नो चलो बेवकूफी वाला काम किया तो किया हम्म लेकिन उसके बाद मजे भी आप ले रही थी उस काम का और काफी समय तक आपने खूब सारे मज़े लिए हैं तो उस वक्त आपको समझ में नहीं आया ये जो आप शूटिंग वूटिंग काफ़ी करते हो तो ना तुम्हारे सेट्स के ऊपर ना बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो कि वैन के नीचा के सो जाते हैं छाँव के लिए तो आप इन कुत्तों के साथ कभी खेली हो बिस्किट विस्किट खिलाएं इनको कभी स्वीट ब्यूटीफुल oh oh अरे सुनो दादा पानी लेके आओ उनको कभी साबुन का पानी पिलाया है आपने सर किसी को नहीं पिलाया है ये पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आ गया उस वक्त तो मस्ती मस्ती जब मुझे रियलाइज हुआ था और फिर उस, उसके बाद आपने एल्विश को आधा ग्लास पीने दिया एक बार पीने इसके मुंह पे जाता रे नहीं मत पीना यार एलविश इसके अंदर मैंने साबुन मिलाया है जैसे कि मैंने अभी किया आपके साथ वो टास में आपने खुद ने मना किया मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया मत पियो हम पीने से पहले अब मैं बाकी घर वालों के समझदारी से रिएक्शन से मैं हैरान हूँ वो होता है ना कि देख रहे हो कि राह पे रास्ते पे कोई कोई गड़बड़ कर रहा है और वहाँ पर 20 25 50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ नहीं करते देखते रहते हैं मुझे उन लोगों से ज़्यादा नफ़रत है किस किस को पता है कि साबुन का पानी पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और जानबूझ के पिलाना हानिकारक हो सकता है मिस्टेक से चला गया ठीक है लेकिन जानबूझ बूझ करके पानी पिलाना इज नॉट करेक्ट नहीं तो अगर ये अगर ये हानिकारक नहीं होता तो नहाते नहाते हम साबुन खा भी जाते ना मेरी एक आदत है मैं कभी कॉलर खा जाता हूँ कभी ये फटी हुई जीन्स के धागे मुँह में ले लेता हूँ वो ठीक है लेकिन ये पानी पिलाना साबुन मिला के उसको इंजॉय करना और बाकी लोग उनका रोकना नहीं वो बात मुझे यू नो ज़्यादा अखरी है किसी ने इनको समझाया नहीं कि ये गलत बात है बल्कि अविनाश तो हंस रहे थे सर मैं पहले हंसा बट मैंने उसे बोला कि यह बेवकूफी था उसमें नमक का नमक पानी बना सकती थी अगर पिलाना ही है तो हम्म। लेकिन जब उस वक्त उसने बताया तो हंसी आई चलो आपने हंसा ओके यू फाउंड इट फनी लेकिन क्या आपने उनको रोका या आपने एलविश को बोला के भाई मत पी इसके अंदर साबुन का पानी मिला है एक ड्यूटी होता है ना ए ह्यूमन बींग मैन टू मैन ह्यूमन टू ह्यूमन के अरे यार ये मदा कर रही थी इसके अंदर इसने साबुन का पानी मिलाया मत पी मत पी मत पी अरे यार ये क्या ये यहां पर खत्म हो जाता लेकिन आपने इसको आधा गिलास पानी पीने दिया आप इतने ही जिम्मेवार हो बल्कि आप समझदार हो चलो जिया से गलती हो गई इसने कबूल लिया लेकिन आप तो समझदार हो ना आपने रोका क्यों नहीं मानता हूं सर एंड जिया चलो आपने सॉरी बोल दिया हम्म खत्म हो गया ना सब कुछ मतलब आप ये चाहती हो कि ये जो जिन जिन ने ये शो देखा है हुँ? Hmm. जब यहाँ से निकलोगी बाहर जाओगी घर पे लोगों को डिनर पे बुलाओगी लंच पे बुलाओगी दावतें करोगी तो वो क्या आपके हाथ का पानी या आपके हाथ का खाना खाएंगे जिन जिन ने ये आ, बिग बॉस ओ देखा है ऑन जियो सो राइट